लड़की होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और उसको जब उसकी जब जन्म होती है ना, उसी वक्त से जो है उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। उसकी अपनी कुछ चलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बचपन में अपने माँ बाप की, बड़ी हुई तो फिर घर समाज की, ब्याह दी गई, उस वक्त भी उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। खैर जो भी है, ब्याह होने के बाद फिर वो फिर दूसरे घर में जाती है, फिर वहाँ उसकी मर्जी नहीं चलती। कब उसको खुद का स्वतंत्रता मिलेगा, कब उसकी अपनी आज़ादी होगी कि वो भी खुले मन से, बिल्कुल खुले मन से अपने जीवन को जी पाए, ऐसा कब होगा? आज भी जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो भी अपना जीवन खुद से जी नहीं रही है, निभा रही है, समाज का, परिवार का वो निभा रही है। और जो तरह तरह के रील्स हैं, बहुत सारे माने क्या बोलो, अभद्रता पूर्ण जो व्यवहार रूपेण डांस या फिर वैसा वीडियोस या उसके वस्त्र जो भी है, उसके पीछे भी जो है ना, क्या बोलूँ, उसकी अपनी माने इच्छा कम, और वो थोपी जाती है, ज़्यादा ज़्यादा थोपी जाती है। और अगर जहाँ पे आजकल जो अभद्रता देखी जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक लड़की को दोषी हम नहीं मान सकते, लड़की तो दोषी होती ही है, लेकिन उसके गार्जियन ज़्यादा दोषी होते हैं। एक लड़की, एक बहू, एक जो भी होती है ना, स्त्री, पत्नी, अगर वो गलत है तो उसके पति गलत है, उसके घर परिवार ससुराल वाले गलत है। वो गलत क्यों बनती है, इसके पीछे कभी किसी ने कोई नहीं सोचा, बस लड़की को सिर्फ दोष 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 दिए चले जाते हैं। हाँ, लड़कियों की भी अपनी गलती होती है कि उसे अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। जो भी है, जिस दायरे में हम लोगों को, एक स्त्री को रहना चाहिए, वो दायरा भी वो भूल जाती है। क्यों भूलती है? क्या सिर्फ इसके पीछे सिर्फ लड़की ही जिम्मेवार है, या उसके घर वाले, उसके समाज, उसके परिवार वाले हैं? जब आप हर तरह से कड़ाई कर सकते, तो फिर इस चीज में क्यों नहीं कड़ाई कर सकते? क्यों आपकी लड़की आपके हाथ से बाहर हो जाती है? ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसे ऐसे उद्दंडता पूर्ण जो डांस वीडियोस आ रहे हैं ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और लैंग्वेज, इवेन लैंग्वेज तक उनकी भद्दी हो चुकी है। अभद्रता पूर्ण जो व्यवहार होता है, वो सबके दोषी कौन है, ये अपने दिल से पूछिए ना, कौन है? अगर मैं गलत हूं, तो सबसे पहले हमारे गार्जियन पे हाथ उठता है कि नहीं, इसके गार्जियन ही, इसके माँ बाप ही ऐसे होंगे, एकदम उठता ही है। अगर हमारी बेटी अगर वैसी है, तो हमारी बेटी के लिए भी यही बोला जाएगा, इसके माँ बाप पिता ऐसे ही होंगे, इसे ऐसा ही संस्कार मिला होगा, ऐसा ही दिमाग में सबसे पहले आता है। तो क्या कोई पनप जाता है क्या, कि सबको जन्म देने वाला कोई एक माता पिता ही होता है? हर बच्चे को जन्म देने वाला एक पेरेंट्स ही होता है ना, एक माता पिता ही होते हैं ना, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चे को सही परवरिश करते हैं? एक ये बात हुई, और दूसरी, फिर मैं दूसरी दिन बोलूँ।